शत्रुघ्न सिन्हा ने बिना नाम लिए मुकेश खन्ना पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी शख्स को सोनाक्षी सिन्हा के रामायण को लेकर कौन बनेगा करोड़पति पर सही सवाल जवाब ना देने पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन मैं उस शख्स से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उसको किसने सोनाक्षी सिन्हा का गार्जियन बनाया जो सोनाक्षी सिन्हा को हिदायत दे सके। इसके अलावा और अगर मान लीजिए गार्जियन हो भी गया वो उम्र की वजह से, तो क्या वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है या रामायण का ठेकेदार है कि वो जिसको जो चाहे उसको बोल दे। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर अपने आगे के इस इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा की सफलता के बारे में बात की और बताया कि कैसे सोनाक्षी सिन्हा अपने दम पर स्टार बनी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनको सोनाक्षी सिन्हा को लॉन्च नहीं करना पड़ा, बल्कि वो अपने दम पर बाहर से काम लेकर आई और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वो अपने दम पर स्टार हैं। जाहिर सी बात है शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा अपने दम पर स्टार बनी है, लेकिन लोग कभी भी इस बात को नहीं मानते। लोग यही मानते हैं कि उनको सलमान खान ने इसलिए लॉन्च किया क्योंकि वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं, और कहीं ना कहीं हकीकत भी है, क्योंकि अगर सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ना होती तो वो कभी भी सलमान खान तक पहुँच ही नहीं पाती और ना ही वो कभी लॉन्च होती। तो खैर ये तो सब बातें बेफिजूल है और कोई भी इन बातों को बेफिजूल ही कहेगा कि जब भी कोई स्टार किड जो होते हैं और उनके माता पिता ये कहते हैं कि उनका बेटा अपने दम पर एक्टर बना है, जी अपने दम पर एक्टर नहीं बना, वो आपका बेटा है आपकी बेटी है इसीलिए एक्टर बना है, ये बात सच्चाई है और इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी स्वीकारें उतना अच्छा होगा। खैर उन्होंने मुकेश खन्ना के बारे में जो कहा ये बात तो मुकेश खन्ना जाने शत्रुघ्न सिन्हा जाने, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। जब कोई स्टार किड जो अपने माता या पिता की वजह से एक्टर बना हो और उसके माता पिता ये कहें कि अपनी वजह से बना है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।